हेलो एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बायोनॉमियल नॉमिनक्लेचर सिस्टम के बारे में हम उसके बारे में सारी डिटेल देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं नॉमिनक्लेचर सिस्टम के तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए जो बायोनॉमियल नॉमिनक्लेचर सिस्टम है ये क्या होता है सो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ नेमिंग ए बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट एक बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को नेम करने वाला सिस्टम है ठीक है उसको बायोनॉमिकेचर सिस्टम बोलते हैं सबसे पहले ये जो सिस्टम है इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय कैस्पर बोहीन साइंटिस्ट का नाम है कैस्पर बोहीन इन हिज बुक उन्होंने इसको सबसे पहले अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था और उस बुक का नाम है पाइनेक्स इन हिज बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज पाइनेक्स राइट नेक्स्ट हमें देखना है क्योंकि आपने पढ़ा होगा बहुत सारी बुक्स में दिया है कि ये जो बायोनोमियल नामचर सिस्टम है ये तो कैरलस लेनेस ने प्रपोज किया था है ना पर हमने यहाँ पे लिखा है कैसपर बोहिन तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि इसको सबसे पहले कैसपर बोहिन ने ही प्रपोज किया था पाइनिक्स बुक के अंदर पर जो कैरलस लेनेर्यस है उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि उन्होंने ही बायोनोमियल नॉमिनक्चर सिस्टम के क्या रूल्स होंगे क्या प्रिंसिपल होंगे वो उन्होंने ही दिए थे ठीक है तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कैरलस लेनेस प्रपोज प्रिंसिपल्स ऑफ बायनॉमियल नॉम इन क्लेचर इन्होंने उसके पूरे प्रिंसिपल्स दिए थे रूल्स दिए थे इनहिज़ बुक अपनी बुक के अंदर और उस बुक का नाम है फिलॉसफिका बोटैनिका दिस इज़ दी नेम ऑफ द बुक फिलोसफिका बुटैनिका ओके सो ये बुक आई थी सेवनटीन फिफ्टी वन में और पाइनिक्स जो बुक आई थी वो आई थी सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री में तो ईयर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट आप ईयर्स को स्किप कर सकते हैं सो so, ये वो बुक है जिसके अंदर बाइनोमियल नामिन क्लेचर सिस्टम के प्रिंसिपल्स और रूल्स सारे थे ठीक है फिर लिनेयस ने ही सबसे पहले इसको यूज़ किया लिनेस यूज दिस नॉमिन क्लेचर सिस्टम ऐसे लिखेंगे लिनेस फर्स्ट यूज दिस नॉम क्लेचर सिस्टम इन हिज बुक उन्होंने अपनी बुक में यूज़ किया उस बुक का नाम है स्पीशीज प्लांटेरम स्पीशीज प्लांटेरम दिस इज द बुक ऑफ प्लांट्स इसमें उन्होंने प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था और इस बुक के अंदर उन्होंने फाइव नाइन डबल ज़ीरो प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन दी थी उनके साइंटिफिक नेम्स दिए थे और ये बुक आई थी सेवनटीन फिफ्टी थ्री में 1751 में उन्होंने रूल्स वगैरह दिए उसके बाद 1753 में उन्होंने क्या किया सबसे पहले प्लांट्स की नेमिंग करी किस बुक के अंदर स्पीशीज प्लांटेरम के अंदर ठीक है और उसमें फाइव नाइन डबल जीरो प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन थी दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नीड पॉइंट ऑफ व्यू उसके बाद फिर इन्होंने इसको लेटर ही यूस्ड दिस नॉमन क्लेचर सिस्टम नॉमन क्लेचर सिस्टम एन एस लिख रहे हैं यहाँ पे इन दूसरी बुक के अंदर उन्होंने उसको यूज़ किया उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे ठीक है इस बुक के अंदर फोर थ्री टू सिक्स एनिमल्स के बारे में इन्होंने नेमिंग दी थी इतने एनिमल्स की डिस्क्रिप्शन थी तो बेसिकली जो स्पीशीज प्लांटेरा है वो प्लांट्स के लिए थी और सिस्टेमा नेचुरे जो थी वो एनिमल्स के लिए और ये बुक आई थी सेवनटीन में ठीक है तो यहां पर क्या बनता है इसका मतलब यह है कि जिस मतलब इन ईयर से पहले 1753 या 1758 से पहले जो भी नाम दिए गए थे जो भी साइंटिफिक नेम्स थे वो वैलिड नहीं माने गए थे वैलिड को माना गया है जो कि लिनेस ने 1753 एंड 1758 में दिए थे ओनली दो साइंटिफिक नेम्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के आर वैलिड फ्टर प्लांट्स के लिए आए थे सेवनटीन फिफ्टी थ्री में एंड एनिमल्स के लिए सेवनटीन फिफ्टी एट में रिस्पेक्टिवली ठीक है तो उन्हीं साइंटिफिक नेम्स को वैलिड माना जाता है जो कि कब आए हैं सेवनटीन फिफ्टी थ्री में और सेवनटीन फिफ्टी एट में उससे पहले आए हुए साइंटिफिक नेम्स को वैलिड नहीं मानते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ बायोनोमियल नॉम सिस्टम तो सबसे पहला रूल ये है कि जो भी साइंटिफिक नेम्स होंगे दे आर इन लैटिन लैंग्वेज और इफ दे आर टेकन फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज देन दे शुड बी लैटिनाइज ठीक है तो फर्स्ट इज साइंटिफिक नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज Or Latinized if they are taken from any other language. Second is each name consists of. टू वर्ड्स बायोनॉमियल का मतलब ही यही है कि एक नाम के अंदर कितने वर्ड्स होंगे टू वर्ड्स जो फर्स्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पीशी या स्पेसिफिक एपिथेट ठीक है तो पहला वर्ड हो गया जीनस सेकेंड वर्ड हो गया स्पीशी और स्पेसिफिक एपिथेट जो जीनस है इट ऑलवेज स्टार्ट कैपिटल लेटर और स्पीशी और स्पेसिफिक एपिथेट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर ठीक है हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा थर्ड रूल इज कि बोथ दी words मतलब जीनस एंड स्पीशी शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है ठीक है साथ में अंडरलाइन नहीं करते हैं सेपरेटली अंडरलाइन करा जाता है इन्हें अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है व्हेन प्रिंटेड जैसे बुक्स के अंदर होते हैं या आपके एग्जाम में पेपर के अंदर आते हैं तो मैन इन प्रिंटेड फॉर्म इट मस्ट बी इन इटैलिक्स तो हमें उसे इटैलिक्स में लिखना है यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब प्रिंटेड में होंगे तो कभी भी हम उन्हें अंडरलाइन नहीं करेंगे नेवर अंडर लाइनड इन प्रिंटेड वाले फॉर्म में हैंड रिटर्न है तो आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे लिख लीजिए हैंड रिटर्न के केस में अंडरलाइन करना है जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं मैंजी फेरा इंडिका दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो तो मैंजी फेरा इज दी जीनस आप देख सकते हो कैपिटल एम से स्टार्ट हो रहा है और इंडिका इज दी स्पीशीज स्मॉल आई से स्टार्ट हो रहा है तो जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा स्पीशी हमेशा स्मॉल लेटर से और हमेशा इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है जब हैंड रिटन है एक कॉमन अंडरलाइन आपको नहीं करना है। फिफ्थ रूल है साइटेशन। साइटेशन so, का मतलब होता है कि जिस भी ऑथर ने जिस भी साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है साइंटिफिक नेम दिया है उसका नाम भी आएगा और उसका नाम हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में तो यहां पे लिखेंगे द नेम ऑफ ऑथर is always written after specific epithet in abbreviated form short form में लिखना है पूरा नाम नहीं लिखना है abbreviated form और roman type में जो फ़ॉन्ट हमें यूज करना है वो रोमन टाइप जो टाइम्स ता, न्यू रोमन फॉन्ट होता है वो वाला यूज़ करना होता है तो जैसे कि एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो मैंजी फेरा इंडिका सो दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो ये जो नाम दिया था वो लिनेस ने दिया था तो जो हम ऑथर का नाम लिखेंगे वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखेंगे और वो भी एब्रीविएटेड तो लिन खाली लिन लिखना है और पहले डॉट लगाना होता है स्पीशी के बाद डॉट फिर लिन इसको कभी भी हमें अंडरलाइन नहीं करना है और ना ही इटैलिक्स में लिखना है ठीक है तो ये बिल्कुल रोमन टाइप में यहां पे लिखा जाएगा और इसको अंडरलाइन नहीं करना है अलग से सो so ये हो गया जीनस दिस इज स्पीशी एंड दिस इज ऑथर साइटेशन ऑथर का नाम सो इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं बायनॉमियल एपिथेट जेनरिक नेम स्पेसिफिक नेम एंड ऑथर साइटेशन इज कलेक्टिवली नोन एज बायनोमियल एपिथेट नाउ कमिंग टू सिक्स रूल दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आई का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ आई सो इसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को हम पहले यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि इन केस टू और मोर नेम्स आर गिवन उस केस में द ओल्डेस्ट नेम that is the name come first is recognized as valid name and the other name are known as synonyms ठीक है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है आई का कि इन केस अगर एक ही प्लांट को दो या दो से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं तो उस केस में हम किस नाम को वैलिड मानेंगे जो नाम पहले आया है जो पहले दिया हुआ नाम है दैट विल बिकम द वैलिड नेम और उसके बाद जितने भी नाम आए हैं वो सारे बन जाएंगे सिनोनिम जैसे कि इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ अमलतास प्लांट है ठीक है इसका एक साइंटिफिक नेम है कैशिया टोरा और दूसरा साइंटिफिक नेम है कैशिया ग्लूका ये आया था 1944 में और ये आया था 1945 में तो जो पहले आया है दैट नेम विल बिकम वैलिड नेम और जो बाद में आया है वो बन जाएगा सिनोनेम तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके सिनोनिम्स हैं कई सारे पर जो पहले आएगा वो हमेशा बनेगा वैलिड नेम और बाद में जो होगा वो सिनोनिम बनेगा तो ये सारे रूल होते हैं बायोनॉमियल नॉमिट्लेचर सिस्टम के आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग